आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकत्व कब नहीं है ये जानना जरूरी है, और उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एक बार इरेक्शन नहीं हुआ या लिंग में कठोरता एक बार नहीं आई, इसका मतलब आप नपुंसक है, ऐसा होता नहीं है। करीब करीब ऐसा होता है कि 4 में से 1 बार, मतलब 25% ऑफ द टाइम्स, 4 में से 1 बार यदि आप फेल जाते हो तो ही आप बोल सकते हैं कि आपको नपुंसकत्व ये बीमारी है। 10 में से 1 बार फेल होगे तो नहीं है। कि होता क्या है कि ये इरेक्शन आना ये बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में हर अलग अलग तरह के वाद्य होते हैं, गायक कलाकार होते हैं, और वो सब मिला के ऑर्केस्ट्रा होता है, वैसा ये ऑर्केस्ट्रा है। इसमें शरीर फिट होना चाहिए, मन फिट होना चाहिए, मन शांत है, रिलैक्स है, बहुत हेल्दी है, बॉडी हेल्दी है। फिर तीसरा है कि आपके ब्लड वेसल्स जो है, मतलब जहाँ से खून बहता है, ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ, वो ठीक होना चाहिए। फिर नर्व्स जो है, मज्जा तंतु, वो ठीक होना चाहिए। हॉर्मोन्स नॉर्मल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। शरीर 1, मन 2, ब्लड वेसल्स 3, नर्व्स 4, हॉर्मोन्स 5। ये 5 अलग अलग जो चीज़ें हैं वो उसका ऑर्केस्ट्रा है इरेक्शन आना, और ये सब काम बराबर करती तो पेनिस में इरेक्शन आता है। आप काफ़ी शराब लेकर यदि बेड पर गए तो हो सकता है इरेक्शन नहीं आएगा, तो कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है। हो सकता है कि आपके मन के ऊपर बहुत तनाव है, स्ट्रेस है, और उसके वजह से आप सेक्स नहीं कर पा रहे, इरेक्शन नहीं आ रहा है। या हो सकता है कि आपने एक बार सेक्स किया और दूसरी बार आप कोशिश कर रहे और आपको इरेक्शन नहीं आ रहा। ऐसे ये सब नॉर्मल कॉजेस है इरेक्शन नहीं आने के, और वो कुछ बीमारी है नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ लोग 1 साल में नए तैयार होते हैं जिनको ये इरेक्शन नहीं है, ऐसी बीमारी है कि इरेक्शन नहीं आता है और वो सेक्स नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा इसका वॉल्यूम है, इतना बड़ा इसका एक्सटेंशन है ये बीमारी का, और ये करना बहुत ज़रूरी है। हम क्या चाहते हैं कि इसमें मैं जैसा सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, सेक्स थेरेपिस्ट हूँ, सेक्स काउंसिलर हूँ, साइकियाट्रिस्ट भी हूँ, मगर मैं सेक्स काउंसिलर बनाना चाहता हूँ। और इसमें जितने भी सेक्स काउंसिलर मेरे साथ में आते हैं, मेरे साथ में पार्टनरशिप करते हैं, मेरे पार्टनर बन जाते हैं, अपने अपने जगह पे वो लोगों को काउंसिलिंग करते हैं, तो हमारे देश में इतनी बड़ी तादाद में ये लोक संख्या है जिनको ये प्रॉब्लम है, उनको हम ठीक कर सकें। आपको यदि सेक्स काउंसिलर बनना है, सेक्स थेरेपिस्ट बनने का है, सेक्सोलॉजिस्ट बनना है, तो इसके लिए मेडिकल डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सेक्सुअल डिसीजेज जो है उसके लिए दवाई देने की आवश्यकता रहती नहीं है। तो आप मेरे साथ में बन सकते हो साइकोथेरेपिस्ट, सेक्स थेरेपिस्ट, और आप अपने अपने जगह पे लोगों के जीवन में फ़र्क ला सकते हो। आपको ऐसी कुछ इच्छा है तो ज़रूर हमारे नंबर के ऊपर संपर्क करो, हम आपको अगला गाइडेंस दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।